नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बलरामपुर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरा भारत हमारा है कि नहीं है, बताइए आप, है कि नहीं है। मैं पहले आजमगढ़ के एक स्थान पे आया था तो उन्होंने कहा इनका उत्तर प्रदेश में क्या काम। उन्होंने कहा वाह रे बाबा वाह, मेरा उत्तर प्रदेश में क्या काम नहीं। अरे पूरे भारत से मेरा संबंध है कि नहीं, बताइए संबंध आपका अपना है कि नहीं। और हम इस संबंध के आधार पर ही जब जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो जनता पार्टी किसको कहते हैं। हर जनता में से उठ करके मुख्यमंत्री बन जाए, हर जनता में से उठ के मंत्री बन जाए, जनता में से उठ करके सांसद बन जाए, के एक परिवार में से बन जाए, बताओ क्या होना चाहिए। जनता में से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, गरीब किसान के घर में से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और किसी को भी ला करके सारे लोग वोट दे, सारे समाज के लोग वोट दे और वो मंत्री बने मुख्यमंत्री बने, ये अगर कोई गौरवशाली मौका देता है, उस पार्टी का नाम ही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नाम तो आपने समाजवादी पार्टी रखा, व्यवहार आपका परिवारवादी पार्टी की तरह है, तो आप निश्चय कर लोगे करना क्या चाहते। आप परिवार के बाहर तो आने देना चाहते नहीं हो और अपनी बात कहते हो कि सब मेरा साथ दो। अरे भैया देंगे आपका, लेकिन अब परिवार में चाचा ही बेचारे लाइन में खड़े रहेगा, आज तक उनके साथ तो न्याय नहीं करा, किसके साथ न्याय करोगे आप। अपने घर के अंदर तो फैसला ढंग से कर लो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, बोलिए महाकाल महाराज की। और महाकाल मतलब काल की नगरी, काल मतलब समय की नगरी। और ये पूरा देश का समय बदल रहा है, इस बदलते समय में आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जिस स्थान से मैं आता हूं, मेरी लोकसभा, मेरी विधानसभा में 2,80,000 वोट है, 2,80,000। लेकिन मेरे लिए आपने यदुवंशी के तो 500 वोट भी नहीं है, लेकिन पार्टी ने 3-3 बार मौका दिया, मुझे इस बात का आनंद है। ये भारतीय जनता पार्टी और मंत्री बना करके पहले रखा तो मैंने भगवान कृष्ण की सारी शिक्षाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। और आज नरेंद्र मोदी को तो हमको वोट देने की और इच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर अब कोई राष्ट्र का अध्यक्ष आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, तो अभी जैसे मेरे को किसी ने कृष्ण भगवान का फोटो दिया, किसी ने प्रतिमा दी, किसी ने राधे राधे लिखा पट्टा दिया, मुझे कितना आनंद आया। अब विदेश के लोग यहाँ आए, अमेरिका का राष्ट्रपति आए, और वो अगर हमको उनको गिफ्ट देना पड़े तो गीता से बढ़ के कोई गिफ्ट हो सकता क्या। भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गीता, हमको तो लगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जीवन भर वोट दे तो कम है, जो किसी ने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, बोलो किया के नहीं किया। तो हम और आप सब तैयार है विधानसभा में सेलू जी के लिए और लोकसभा में मिश्रा जी के लिए। मेरी बात से सहमत है सब, आने वाली 25 तारीख को सारे लोग वोट देने के लिए तैयार है, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी अपनी और संकल्प करो, जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं पड़ जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है जी। बोलिए भारत माता की जय, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव और यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। और सीएम लगातार डॉक्टर मोहन यादव प्रचार कर रहे हैं और लगातार वो हर राज्य में जा रहे हैं, 8 राज्यों के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और हर जगह जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं उड़ीसा के जामपाली, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सभा को संबोधित कर रहे हैं। विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, आप मन के इस क्षेत्र के विधायक के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नरसिंह मीन जी, सुंदरगढ़ जिला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री यशवंत नाइक जी, राजगांगपुर विधानसभा के प्रभारी श्री गिरीश चंद्र साहू जी, जिला के महासचिव महेंद्र माझी जी,
श्री सुरेंद्र देहरी जी जिला के उपाध्यक्ष, श्री बिटना मांझी जी जामपाली मंडल के अध्यक्ष, श्री मखू टोपो जी पूर्व मंडल अध्यक्ष जामपाली, श्री राजन सोनी जी राजगांगपुर नगर मंडल के अध्यक्ष, श्री अरविंद कुमार साहू जी राजगांगपुर विधानसभा के संयोजक और मंच में विराजमान हमारे सबो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, छत्तीसगढ़ी समझेंगे ना कि हिंदी में बोलो, छत्तीसगढ़ी समझेंगे ना, और आज के चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, सब कर ले पहले हमर सौभाग्य कि जगन्नाथ स्वामी के ये धरती में ये चुनाव प्रचार के दौरान में आप बनकर दर्शन लाभ मिला थे। मैं आप मन के हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं, और आप मन भी जो हमारे स्वागत करे हैं ओकर लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आप सबके मैं जोहार करत हूं। हमारे पूर्व वक्ता बल्ला आपन सुन चुके हैं, मैं तो ये बताए बर आए हूं आपन के पड़ोसी आपन के जो सुंदरगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है एकर से लगे रायगढ़ लोकसभा है। रायगढ़ लोकसभा से मैं चार बार सांसद रहा हूं और मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्यमंत्री के रूप में भी काम करे हूं, और राज्यमंत्री के रूप में बहुत आपन के क्षेत्र में दौरा हुई से मोर। और अभी जो कुनकुरी विधानसभा है, कुनकुरी विधानसभा से जहां से मैं विधायक हूं आपन के ये सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगी से, तो बहुत संबंध है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के। कुनकुरी विधानसभा से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये हर जुड़े हैं, और जगन्नाथ स्वामी हमारे छत्तीसगढ़ में ही मैं भी उतने ही पूजने हैं जितना आपन के उड़ीसा में है। जगन्नाथ स्वामी के रथ यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक निकलते, वैसा संबंध है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 7 मई के चुनाव संपन्न हो गए से लोकसभा के, और हमारे वहां 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के नरेंद्र मोदी जी ला दे थन, पूरा 11 के 11 सीट। और अब पार्टी के आदेशानुसार आप मन के प्रदेश में हमार छत्तीसगढ़ से 150 से ज्यादा हमार मंत्री कार्यकर्ता नेता सब चुनाव के सहयोग में आए हैं। और मैं आज ये बताए बर आए हूं कि अभी के जो लोकसभा के चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी एमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए ये चुनाव है। आपन सब सहमत है ना, मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, बनाना है, कहे कि आप मन उमन के 10 साल के काम ला देख चुके हो। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा, जो आज पूरा देश पूरा 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए 10 साल काम करी से। गरीब मन के लिए पक्का के मकान देह के काम, माता बहनी मन के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण के काम, गैस सिलेंडर देह के काम, घर घर के बैंक के खाता खोले के काम, घर घर बिजली पहुंचा के काम, नल द्वारा पानी पहुंचा के काम, ये सब काम हुई से कि नहीं? लेकिन आपके उड़ीसा में ठीक से नहीं हुई से, कांवर की जो 25 साल से यहाँ बीजेडी की सरकार चला थे वो केंद्र की योजना ठीक से लागू नहीं करते थे। वो चाहते कि एक श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ला चल जा, और इसलिए केंद्र की योजना मन के ठीक ठीक यहाँ पर पालन नहीं होते, जनता तक तो योजना नहीं पहुंच पाती।
और इसलिए डबल इंजन के सरकार बनाना जरूरी है। डबल इंजन के सरकार बने ले विकास बड़ा तेजी से होते। अब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनत है, ओला तो कोई ताकत नहीं रोक सकत है, लेकिन आप मल्ला उड़ीसा में भी जो 25 साल से बीजेडी के सरकार चलत है ओला बदलना है, ताकि जो मोदी जी ये देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए जो विकास के काम करत है वो ठीक से जनता तक पहुंच पाए। इसीलिए यहाँ के प्रदेश के शासन ला बदलना है। आज मैं पांचवा दिन है आपन के उड़ीसा में दौरा करते हुए नौरंगपुर कोरापुट कालाहांडी बलांगीर बरगढ़ ये सब होते हुए सुंदरगढ़ आज आए हूं, और मैं देखा था कि इस समय अच्छा वातावरण है उड़ीसा में भी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है। मैं विश्वास के कह सकता हूं कि ये दरी यहां परिवर्तन होके रही, ये 25 साल के बीजेडी के सरकार ये दरी उखाड़ के आपन फेंकिया, ये उड़ीसा के जनता के उत्साह और जो सभा में भारी संख्या में जनता आते हैं एला देख के मैं कह सकता हूं बदलना है ना। अभी हमारे डबल इंजन के सरकार है छत्तीसगढ़ में, हमारे पुरेंद्र मिश्रा जी बतात रहे ने जो हमारे रायपुर के विधायक हैं कि चार महीना में हमला खाली 100 दिन काम करे बर समय मिली से, लेकिन 100 दिन में ही हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दे हैं, 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस 3716 करोड़ रुपया उमन के खाता में भेज दें, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से 145 लाख मेट्रिक टन धान खरीदे हैं, 24,72,000 से ज्यादा किसान मन इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में धान बेची है, और उमन के 3100 रुपया के दाम से उमन के एक एक पैसा उमला दे चुके हैं, 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मल्ला महतारी बंधन योजना में 3 महीना के 1,000 रुपया हमन दे चुके हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं, हमार बनवासी मन जो तेंदुपत्ता ला हरा सोना बोलते हैं तेंदुपत्ता के दाम 4,000 रही से और 2 दिन कांग्रेस के सरकार खरीदत रही से ओला 4,000 ला बढ़ा के 5,500 कर दे हैं, और अभी लगातार 15 दिन तक तेंदुपत्ता की खरीदी करबो। तो ये डबल इंजन के सरकार बने ले सब फायदा होते, सब काम साय साय होते है ना, सब काम साय साय होते। तो उड़ीसा के अगर विकास चाहिए तो आप बल्ला भी यहाँ के प्रदेश के सरकार ला बदलना है। मोदी जी यहाँ भी गारंटी दे ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी मोदी के गारंटी में वहां की जनता विश्वास करके कांग्रेस के सरकार ला उखाड़ के फेंकी। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपनी बाती रखी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, अगर ओडिशा में भी डबल इंजन की सरकार बनती है तो विकास उसी तरह से होगा। अब बढ़ेंगे आगे, और अगली खबर आपको स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई बता दें, क्योंकि इस मामले में मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो मालीवाल और सुरक्षा कर्मियों के बीच हो रहा विवाद का है। 13 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है, और विस्तार न्यूज हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में, और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद का ये वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि विस्तार न्यूज अभी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन स्वाति मालीवाल से जो मारपीट हुई इसको लेकर एक ओर जहां संजय सिंह सफाई देते नजर आए, बीजेपी लगातार हमलावर नजर आई, प्रियंका गांधी हो या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, सभी ने स्वाति मालीवाल के साथ देने की बात की। लेकिन अब इस मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, 13 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि विस्तार न्यूज इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अभी कर रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना, नहीं नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते, नहीं अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा।
तुम सब इधर कह रहे हैं हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूं। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज कम मैडम, प्लीज मैडम बाहर चल। हेलो मैडम प्लीज उठा के फेंक ना। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करें। तो इस पूरे मामले में अब ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया है। स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया आपको उसके बारे में बताया, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट करवा के आधी और बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला, घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है और एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। तो स्वाति मालीवाल ने जो ये ट्वीट किया, इस ट्वीट में उन्होंने एक राजनीतिक हिटमैन शब्द का इस्तेमाल किया है, तो सीधे सीधे केजरीवाल पर हमलावर हैं स्वाति मालीवाल। और क्योंकि उनके घर में सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ उनके पीए ने ये मारपीट की और इसको लेकर अब आखिरकार स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में बताया कि आधी और बिना किसी संदर्भ का ये वीडियो है। तो उधर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने मंत्री कृष्णा गौर से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में सभी चरण पूरे हो चुके हैं चुनाव के, अब तस्वीर देश की बन रही है, देश में जो है प्रचार जारी है। इधर कृष्णा गौर जी लगातार जो है मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हैं और उनको देश के अन्य राज्यों में भी भविष्य में भेजा जाएगा। हम उनसे ये तो जानेंगे ही लेकिन साथ में बात करेंगे क्योंकि वो महिला हैं, संवेदनशील हैं। दिल्ली में आपकी जो नेत्री हैं, सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनको लेकर बात करेंगे जो स्थिति है। दीदी स्वाति मालीवाल के साथ जो है खुद जो है दफ्तर में इतनी बड़ी घटना हो गई और उस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया उनके नेताओं का, इसको आप किस तरह से लेंगी और इसमें क्या आप आगे करने वाली? देखिए आप पार्टी के मुखिया का की भूमिका हमेशा से ही पूरे देश में बड़ी संदिग्ध समय प्रकार की रही है और इस दृष्टि से क्योंकि जिस मूवमेंट के खिलाफ वो राजनीति में आए थे और जो भ्रष्टाचार की विरोधी मुहिम जो उन्होंने चलाई थी, राजनीति में आने के बाद वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। उन्होंने हमेशा इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं हमेशा सादगी से राजनीति करूंगा, मैं कोई सरकारी बंगले का उपयोग नहीं करूंगा, सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर उन्होंने अपने लिए बंगला बनवाया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और अपने गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का उपयोग अपने लिए किया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आप पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस देश की जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गई है। उनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है कि वो कहते कुछ और है और असल में उनका चेहरा कुछ और है। और अगर आज एक उन्हीं की पार्टी की सांसद बहन स्वाति मालीवाल के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप पार्टी को विचार करना चाहिए कि देश की महिलाएं क्या सोचती है आप पार्टी के बारे में। वो भले ही अपने मन में बहुत खुश हो जाएं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। आज बहन स्वाति मालीवाल के रूप में एक बहन सांकेतिक रूप से उनसे प्रताड़ित हुई है, ऐसी कई बहनें प्रताड़ित हुई होंगी जिनकी जो पिक्चर में नहीं है। और इसीलिए बहन स्वाति मालीवाल ने आप पार्टी का असली चेहरा उजागर कर दिया, श्री अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र चेहरा उजागर कर दिया कि उन्हीं के कार्यालय में उन्हीं की सांसद को किस प्रकार से अपमानित होना पड़ा। उनके लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन पर लात घूंसे चलाए गए जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल ने भी एफआईआर दर्ज कर दिया है, आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब अगली खबर आपको इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बता दें, जहां मध्य प्रदेश सरकार से मांगा गया है कर्ज का हिसाब। प्रधान महालेखाकार ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा बही खाता और 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज का देना होगा हिसाब। अकाउंटेंट जनरल ने वित्त विभाग को पत्र लिखा है, सरकार की मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन की मांगी है रिपोर्ट और कब कब
कितना कर्ज लिया और कहां खर्च किया उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। वित्त विभाग को 20 मई तक ये ब्यौरा देना होगा, अकाउंटेंट जनरल को ये लेखा जोखा देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार से अब कर्ज का हिसाब मांगा गया है। प्रधान महालेखाकार ने मध्य प्रदेश सरकार से बही खाता मांगा है और 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज का अब हिसाब देना होगा। ये कब कब लिया गया कर्ज इसके बारे में रिपोर्ट देनी होगी और कितना कर्ज लिया गया, इन पैसों को कहां खर्च किया गया, इस पर भी पूरी जो रिपोर्ट है वो बनाकर अकाउंटेंट जनरल को देनी होगी। और भोपाल से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, चुनाव खत्म होते ही बजट की तैयारी शुरू हो गई है। 20 मई तक वित्त विभाग ने मांगे हैं बजट के प्रस्ताव, सभी विभागों से मांगे गए बजट प्रस्ताव और 31 जुलाई से पहले पारित होना है मध्य प्रदेश का सालाना बजट। तो आपको एक और बड़ी खबर बता दें, एक और जहां प्रधान महालेखाकार ने कर्ज को लेकर रिपोर्ट मांगी है तो वहीं दूसरी ओर अब बजट की तैयारी शुरू हो गई है और 20 मई तक वित्त विभाग ने बजट के प्रस्ताव मांगे हैं, सभी विभागों से ये प्रस्ताव मांगे गए और 31 जुलाई से पहले मध्य प्रदेश का सालाना बजट पारित होना है। अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, छत्तीसगढ़ के नेताओं का ओडिशा में प्रचार जारी है। आज फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में प्रचार कर रहे हैं। सीएम यहां पर सुंदरगढ़ और बीर मित्रपुर में प्रचार कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद लोकसभा चुनाव की वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता अभी आराम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी उन्हें बड़ी मिल गई है। छत्तीसगढ़ के बाद राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ संगठन के तमाम पदाधिकारी और महिला बीजेपी के तमाम नेताओं को उड़ीसा में प्रचार के लिए जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी लगातार उड़ीसा के दौरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं का उड़ीसा में प्रचार प्रसार लगातार जारी है। आज सीएम साय का उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का कार्यक्रम है। सुंदरगढ़, वीरमित्रापुर, राजकांगपुर में चुनावी सभा में सीएम शामिल हो रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उड़ीसा में ही रहेंगे, उड़ीसा में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। डिप्टी सीएम स्थानीय कार्यक्रम और बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं। कई विधायक और मंत्री भी उड़ीसा में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में उड़ीसा मौजूद है, यहाँ 21 लोकसभा सीट और 147 विधानसभा सीट के लिए चुनाव चल रहे हैं। उड़ीसा का समीकरण, 21 लोकसभा सीट है और 147 विधानसभा सीट। लोकसभा में अनुसूचित जाति की 3 और अनुसूचित जनजाति की 5 सीट रिजर्व है। 4 चरणों में मतदान हो रहे हैं। चौथे चरण में 13 मई को यहां पर पहली बार मतदान हुआ। 20 मई, 25 मई और 1 जून को भी डाले जाएंगे वोट। मुख्य मुकाबला बीजेडी और बीजेपी के बीच है। छत्तीसगढ़ से सटा होने के कारण यहां के बीजेपी के नेता उड़ीसा के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के लोग उड़ीसा को अच्छे से जानते भी हैं। यहां की बोली और भाषा में कुछ जगहों पर समानता भी है। 2019 में बीजेडी 21 में से 12 सीट लोकसभा में जीती थी और 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी 113 सीट जीतकर 2019 में नवीन पटनायक की सरकार बन गई थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीट राज्य की विधानसभा में जीती जाए और सरकार बनाई जाए, साथ ही लोकसभा में भी पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया जाए। 2019 में बीजेडी की सीट 2014 की तुलना में कम भी हुई थी। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आदिवासी भी हैं और उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या भी ज्यादा है, लिहाजा एक गणित ये भी है, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी उड़ीसा में जो सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक और जहां छत्तीसगढ़ के दिग्गज उड़ीसा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार के कर्ज लेने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता तुलना कर रहे हैं कि उनकी सरकार और बीजेपी की 5 महीने की सरकार ने कितना कर्ज लिया। आंकड़ों से समझते हैं कर्ज का ये पूरा गणित। कर्ज लेने को लेकर प्रदेश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। विष्णुदेव साय सरकार ने जब से राज्य की उन्नति के लिए कर्ज लिया तो कांग्रेस राज्य सरकार पर जमकर बिफर पड़ी। कांग्रेस ने साय सरकार पर क्या आरोप लगाया है, जरा सुन लीजिए।
पांच महीने में ही कृष्णदेव सरकार हाफने लगी है। बड़ी बड़ी बातें करते थे, इनका वित्तीय प्रबंधन फेल हो चुका है। 13,000 करोड़ का लोन लिया, फिर 3,000 करोड़ का लोन लिया, फिर 3,000 करोड़ का लोन लिया, लगभग 19,000 करोड़ का लोन इन्होंने पांच महीने में लिया है। और इसमें भी बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, गोबर खरीदी बंद कर दिया, गोठान बंद कर दिया, तमाम तरीके की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया, उसके पास 16,000 करोड़ इनको देने पड़ा। सुना आपने, पांच महीने पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने कितना कर्ज लिया इसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार कर्ज लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही है। अपने कार्यकाल में भूपेश बघेल सरकार ने 82,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया, जो कि राज्य के बजट से अगर तुलना की जाए तो यह अनुमानित 80% का गणित बनता है। इस मामले में आपको पूरी कुंडली समझा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल खत्म होने तक प्रदेश का कर्ज 42,000 करोड़ रुपए था। भूपेश बघेल सरकार में हर साल 2 से 3 बार कर्ज लेते थे। भूपेश बघेल ने 5 साल में 54,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया। कांग्रेस के कर्ज लेने से सरकार के खजाने पर 9,000 करोड़ रुपए का ब्याज पड़ा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल खत्म होने तक कुल 82,000 करोड़ रुपए प्रदेश के ऊपर कर्ज रहा। अब बीजेपी सरकार के कर्ज को जोड़ दिया जाए तो लगभग प्रदेश पर 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि प्रदेश के किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया, महतारी वंदन की 3 किश्तें बैंक खाते में चली गई, 3100 रुपए धान की MSP किसानों को मिली, और लगातार भाजपा सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता यूं ही नहीं खो रही है। इस प्रकार के बयानों से ही पब्लिक कहती है, क्या पागल हो गए हैं क्या ये लोग? अरे भाई, किसानों का 2 साल का बोनस माफ हुआ ना, 3,716 करोड़ रुपए राशि चली गई, महतारी वंदन की 3 किस्तें चली गई है, कितनी राशि है? लगभग 2,000 करोड़ रुपए, 3100 रुपए एक मुश्त राशि, 13,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल गई है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट जो है वो जनता में, किसानों को, महिलाओं को, आदिवासियों को मिला। आरोप प्रत्यारोप के बीच जानकार बताते हैं कि प्रदेश का कर्ज 1,00,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो अगले साल तक प्रदेश के बजट की बराबरी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में ये बड़ी वित्त समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपको बता दें कि अब तक लिए कुल कर्ज में से प्रदेश 4,60,00,000 रुपए प्रति महीने ब्याज के तौर पर चुका चुका है। मुझे नहीं लगता, देखिए कर्ज हमेशा से बढ़ेगा, जितना आप डेवलपमेंट करते जाएंगे कर्ज बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं कि जितने बड़े राज्य हैं वो कर्जे में नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा कर्जे में तो महाराष्ट्र और आपको गुजरात नज़र आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कर्ज जो है सबसे, मोदी जी जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब तक 2,25,00,000 करोड़ का कर्ज था गुजरात में 2014 तक। अभी स्थिति 4.5 के आसपास की और ऊपर हो चुकी होगी। तो ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ ने ही कर्ज लिया है, छत्तीसगढ़ ही ऐसा कर रही है, अन्य राज्य भी करते हैं। कांग्रेस की भूपेश सरकार में योजनाओं को लागू करने के लिए कर्ज लिए जाते रहे हैं, और जब वर्तमान विष्णुदेव साय की सरकार कर्ज ले रही है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। जानकारों की माने तो हर सरकार अपने कार्यकाल में विकास कार्य करने के लिए कर्ज लेती आई है, और ये कोई नई बात नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य विकसित राज्य भी कर्ज लेते रहे हैं। इन तमाम मामलों के बीच लगातार कर्ज लेने की प्रक्रिया ने एक विशाल समस्या उत्पन्न कर दी है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।